हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूजेज वैज्ञानिक उपकरणों की सूची और उनके उपयोग के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं जो कि यह हमारा वीडियो नंबर टू है और इसमें हम लोग बेसिकली आपके सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं ठीक है ओके तो चलिए हमने वीडियो लेक्चर टू में हमने देखा था बहुत बढ़िया से और फिर आज हम लोग क्वेश्चन का जो भी है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमने लगभग सेवेंटीन तक हमने कवर कर लिया था ओके okay. और आज हमारा 18 से स्टार्ट होने वाला है ओके okay. कोई बात नहीं जो जुड़ने वाला है जुड़ेगा ठीक है लेकिन बाद में वो फिर दिक्कत होगा ठीक है बाद में तो उसको परेशानी होगी जो अभी पढ़ लेगा उसके लिए तो बहुत ही आसान लगेगा लेकिन जो बाद में देखेगा उसके लिए थोड़ा और समय लगने में समझने में प्रयास में थोड़ा दिक्कत होगा ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्द से जल्द एक बार जुड़ जाइए ठीक है कोई बात नहीं आज हमारा है क्रेस्कोग्राफ क्या होता है क्रेस्कोग्राफ क्या होता है ठीक है इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ठीक है मतलब ये क्रिस्को ग्राफ क्रिस्कोग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं प्लांट की जो लंबाई होती है उसे ज्ञात करते हैं और यह जो क्रिस्कोग्राफ जो इन्वेंट किया गया था खोज किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोज किया गया था यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज करते हैं ठीक है और इसका आविष्कार किया गया था जगदीश चंद्र के द्वारा ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्रायोमीटर आखिर क्रायोमीटर क्या है ठीक है क्रायोमीटर भी एक प्रकार का डिवाइस है यह भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है हमारा टेम्परेचर ठीक है यह टम्परेचर मेजर करता है ओके तो बेसिकली यह क्रायोमीटर लो टेम्परेचर को मेजर करता है ओके समझ रहे हैं बात को क्रायोमीटर लो टेम्परेचर को मेजर करता है यह केल्विन में मेजर करता है यस yes? ओके okay? ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ठीक है इलेक्ट्रोस्कोप भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारे बॉडी में या किसी भी बॉडी में प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताता है कि हमारे बॉडी में कितनी चार्ज है चार्ज है कि नहीं है यह बताता है ठीक है यह एक शरीर पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला यह एक उपकरण है एक यह इंस्ट्रूमेंट है ओके इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन अ बॉडी तो यह बेसिकली यह इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट वहां यूज करते हैं कि किसी भी बॉडी का पता लगाया जा सके कि उस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है ठीक है ओके ओके बढ़िया चलिए नेक्स्ट है, है हमारा ओडोमीटर ओडोमीटर क्या होता है यह वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के लिए यूज करते हैं ठीक है वेवलेंथ मापने के लिए यूज करते हैं ठीक है यस yes. तो ओडोमीटर की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ हम लोग मेजर करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा ऑप्टोमीटर क्या कार्य करता है ऑप्टोमीटर ऑप्टोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि ट्रैक करता है कि हमारी जो ट्रेवल है पाथ ट्रेवल करती है लाइट जो हमारी आँखों में जो इंटर करती है लाइट उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं ठीक है आई चेकअप में आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ठीक है यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश द्वारा आंखों में प्रवेश करने के बाद उसके द्वारा तय किए गए पथ को ट्रैक करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोस्कोप ऑटोस्कोप क्या होता है ऑटोस्कोप के द्वारा यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली कान को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं ईयर कैनल जो होता है ईयर ड्रम होता है जो कान के पर्दे होते हैं उनको आसानी से चेकअप किया चेकअप किया जा सकता है तो ऑटो इसको की सहायता से हमारे आँखों के कानों के लिए चेक करते हैं ठीक है सॉरी फॉर दैट आँख के लिए नहीं कान के लिए होता है ठीक है समटाइम्स इसको नोज में भी डालकर इसको चेक कर सकते हैं ठीक है सिस्मोग्राफ क्या होता है सिस्मोग्राफ यह भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि यह रिकॉर्ड करता है जब हमारी भूकंप आती है तो उसको वह रिकॉर्ड कर लेता है ठीक है कुछ ग्राफ के द्वारा कुछ इस प्रकार से बनते हैं ठीक है ये सिस्मोग्राफ है ठीक है देखिए जैसे जैसे हमारी भूकंप होगी तो यहाँ पर जो नि जो निडल लगी हुई है यह वाइब्रेट करने लगेगा कुछ इस प्रकार से इस पर ग्राफ बनने लगेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारी व्हीकल्स में इंस्टॉल होती हैं यह बताती हैं कि हमारी गाड़ी हमारी वैन कितने स्पीड से चल रही है ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर भी एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारा यह बताता है कि हमको किस प्रकार का मिरर को कट करना है और उसका रेडियस किस प्रकार से होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस प्रकार से होना चाहिए वह well, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर को मापने के लिए जैसे ग्लास की जो मोटाई होती है वह मापने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं ठीक है स्पेरोमीटर नेक्स्ट है हमारा साइफनोमोनोमीटर ठीक है तो जैसे कि यह बीपी के लिए यूज करते हैं ठीक है ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज करते हैं साइफोगनोमीटर ठीक है, साइफो है? इसते तो इसको जिसको हम लोग हिंदी में आला के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह भी एक प्रकार का साइंटिफिक डिवाइस है इंस्ट्रूमेंट है बोल सकते हैं डिवाइस के जगह पर इंस्ट्रूमेंट बोला जाए तो अच्छी बात है ठीक है जो कि यह हार्ट बीट को हार्ट बीट को सुनने के लिए आसानी से यूज किया जाता है ठीक है हार्ट बीट को सुनने के लिए आसानी से इसको यूज कर सकते हैं ठीक है डॉक्टरों के द्वारा यह ज़्यादातर यूज किया जाता है ठीक ओके चलो ठीक है नेक्स्ट है हमारा टैचोमीटर टैचोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारे व्हीकल्स लगे रहते हैं व्हीकल्स में यह बताता है कि हमारी मोटर की स्पीड कितनी रफ्तार से मूव कर रही है कितनी स्पीड से घूम रही है ठीक है कितनी स्पीड से घूम रही है ठीक है टैचोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सचा क्रैंक क्रैंकशॉप ऑफ एन इंजन इट मेजर्स रेवोल्यूश पर मिनट परफॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट टैचोमीटर इज ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशन काउंटर जैसे कि हमारी व्हीकल्स जो होती हैं वाहन होती हैं जब वो मोटर घूमेगा तो वह बताएगा कि कितनी स्पीड से घूम रहा होगा स्पेशली इसको कार में देखा जा सकता है ठीक है कार में अक्सर यह देखने को आपको मिलेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा टेलीमीटर आखिर टेलीमीटर क्या कार्य करता है टेलीमीटर का कार्य यह है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को बताता है एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी में होगा स्टेशनरी का मतलब स्थित होगा मूवेबल नहीं होगा और दूसरा बॉडी होगा वह मूवेबल हो सकता है ठीक है तो यह टेचोमी टेलीमीटर आपका डिस्टेंस बताता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास थर्मामीटर थर्मामीटर भी यह एक प्रकार का साइंटिफिक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली यह फेरेनाइट में मेजर करता है और इसको सेंटीग्रेड में भी हम लोग आसानी से बदल सकते हैं मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ यदि किसी चीज़ को किसी भी को आपको सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में या फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलना होगा तो आसानी से बदल सकते हैं फार्मूला क्या है देख लीजिए अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है सी बाई फाइव एफ माइनस थर्टी टू बाई नाइन यह है फार्मूला ठीक है जिसे आपको मान लीजिए सेंटीग्रेड में दिया गया है तो आप इसको फेरेनाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फेरेनाइट में जो दिया गया हो इसको आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है हमारे पास टोनोमीटर टोनोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारे इंटरनल जो आंखों में जो प्रेशर्स होती हैं यह उसको मापने के लिए यूज करता है टोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन टोनोमीटर का कार्य यह होता है कि हमारे आँखों में कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको मेजर करने के लिए टोनोमीटर यूज करते हैं ठीक है ठीके? वेंचुरी मीटर भी क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इट इज़ अ साइंटिफिक डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड दैट इज फ्लोइंग इन अ पाइप इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशंस दैट सेज एज द वेलोसिटी इनक्रीज प्रेशर डिक्रीज यानी कि वेंचुरी मीटर भी यह एक प्रकार का जो डिवाइस है ठीक है वेंचुरी मीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को बताता है कि वह लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रही है किस स्पीड से फ्लो कर रही है ठीक है तो वेंचुरी मीटर का यह कार्य हो गया और यह बर्नौली प्रिंसिपल पर बर्नौली के सिद्धांत पर यह वर्क करता है ठीक है जैसे कि हमारा वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो प्रेशर यानि कि दाब कम होगा प्रेशर यानि कि दाब कम होगा ठीक है वर्नियर कैलिपर्स क्या है वर्नियर कैलिपर्स भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि किसी भी चीज के आपके समझ लीजिए रेडियस को पता करना हो रेडियस का पता करना हो या डायमीटर का पता करना हो तो आसानी से पता किया जा सकता है ठीक है यदि कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मान लीजिए एक बॉल ले लेते ले हैं ठीक है यहाँ पर एक बॉल इंसर्ट करके उसका हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोमीटर विस्कोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि इंस्ट्रूमेंट है बोल सकते हैं जो कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूड एंड सेमी सॉलिड इंक्लूडिंग द सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स। विस्कोसिटी इज द फ्लूड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी द थिकनेस ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड देखिए यह विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ था चिकनापन ठीक है कितनी तरल जो तरलता जो है वो कितनी तेजी से फिसल रहा है उसकी लेयर के थिकनेस को पता करने के लिए विस्को मीटर हम लोग यूज करते हैं ठीक है विस्को मीटर यूज करते हैं ठीक है यह कुछ इस प्रकार से है ओके नेक्स्ट है हमारे पास वाट मीटर वाट मीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को यूज करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को यूज करने के लिए किया जाता है ठीक है यानी कि वोल्टेज और करंट को मेजर करता है यानी कि प्रोडक्ट है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है तो हम लोग वाट मीटर की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं तो वाट मीटर क्या है यह करंट के वैल्यू को और वोल्टेज के वैल्यू को प्रोडक्ट करके हमें इसका पावर बताता है ठीक है बोलोमीटर क्या होता है बोलोमीटर भी यह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि हीट को हीट को मेजर करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव्स को भी मेजर करता है तो इस प्रकार से हमारा बोलो बोलोमीटर यूज करते हैं ठीक है ओके फ्लक्स मीटर क्या है फ्लक्स मीटर और जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लक्स मीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है फ्लक्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लक्स मीटर यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है जीके का ठीक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से आपका जीके का पोर्शन यहाँ पर कवर हुआ अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे ओके तो चलिए यहीं पर अब बाइंड अप करते हैं लेक्चर को और जो भी पढ़ाया जाता है उसे कंटिन्यू देखते रहिए और लगाते रहिए ठीक है, है और स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड किया करें ओके रेगुलर क्लास अटेंड किया करिए ठीक है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ही टफ भी नहीं है अब बहुत ही ईजी भी नहीं है जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा जो नहीं मेहनत करेगा वो सिर्फ उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है तो मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा ठीक है और डेली यार लाइव क्लासेस जो होती है उसको अटेंड किया करो आपकी क्लासेस 8 पीएम पर होती है आठ बजे रात को आपकी क्लासेस होंगी ठीक है जब भी क्लास होंगी तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट्स सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की वो कंटिन्यू कंटिन्यूस लेक्चर अटेंड करें ठीक है तो चलो अब यहीं पर वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे